ये देखे दोस्तों, सफेद चूहा अपने क्लीनिंग किस तरह से कर रहा है। ये लोग अपने शरीर को इसी तरह क्लीन करते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप चूहा पालते हैं तो इनको आप लेके इनके पूरे हेयर पे यानी कि बाल पे आपको ये देखना जरूरी होगा कि कहीं कोई कीड़ा तो नहीं लगा है। एक कीड़ा होता है वो छोटा टाइप का जो कि उड़ता है, वो इनके शरीर पे काफी लगता है अगर आप इनकी सफाई नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं तो। इसके अलावा अगर आपके चूहे को कहीं ब्लीडिंग हो रही है, कहीं उसको चोट वोट लगा हुआ है, तो आपको उसके आसपास देखना होगा। एक और कीड़ा होता है जो कि बिल्कुल लाल कलर का होता है, आपको देखने में लगेगा भी नहीं कि वो कीड़ा कोई है, लेकिन वो भी एक कीड़ा होता है, पूरा खून चूस जाता है। होता वो छोटा सा है लेकिन जब खून चूसता है तो काफी बड़ा हो जाता है। उसके डिजाइन किस हिसाब से होती है बता दूं मैं आपको, जैसे क्रिकेट की बॉल होती है बिल्कुल बॉल की तरह ही होता है वो, लेकिन वो काफी छोटा होता है। छोटा का मतलब ये हो गया अगर सुई के नोक की बात की जाए तो सुई के नोक से भी छोटा होता है, बिल्कुल लाल कलर का होता है और उसके अंदर पूरा खून भरा होता है क्योंकि खून इनका वो चूस लेता है। तो इस तरह से आप अगर चूहा पालते हैं तो इनको कम से कम जब गर्मियों का मौसम हो तो कम से कम 15 दिन पे एक बार नहला देना चाहिए। 15 से 20 दिन पे नहलाने पे एक फायदा ये होगा कि ये काफी साफ सुथरे रहेंगे, कीड़े मकोड़ों से दूर रहेंगे। नहलाते समय भी आपको वो शैम्पू यूज करना है जो कि कीड़े मकोड़ों को मारता हो या कीड़े मकोड़े लगने से रोकता हो, जैसे कि मेडिकल शैम्पू हो गया, वो काफी परफेक्ट शैम्पू है, 5 रुपए मिलता है, तो उससे नहलाने पे काफी फायदा होगा। बाकी अगर आपके पास एक से ज्यादा चूहे हैं तो उनको आप दो दो करके नहलाइए या एक एक करके नहलाइएगा। इससे ये होगा कि नहलाने की बात क्या होता है कि ये सभी चूहे जो है आपस में लड़ाई कर लेते हैं, इतनी लड़ाई करते हैं, इतना खून खराबा करते हैं कि काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए जब भी नहलाइए तो कम कम नहलाइए, एक दो करके नहला दीजिए। नहलाने के बाद देखिए कि हाँ ये लोग सही से हैं कि नहीं है, कि लड़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर लड़ाई वगैरह ना कर रहे हो तब नहला सकते हैं, लेकिन शुरुआत में जब भी नहलाइए तो कम कम नहलाइए। तो बाकी कोई भी जानकारी चाहिए आपको सफेद चूहे से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट की रिप्लाई जरूर करूंगा।